हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपन ने कैसे सिंह जी भारत के बारे में पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे, पढ़ने वाले हैं अर्जुन लाल सेठी के बारे में। तो अर्जुन लाल सेठी अपन राजस्थान की क्रांतिकारी पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले अपन ने दो क्रांतिकारी पढ़ ली हैं, केसरी सिंह भारत और सागर मलकप्पा के बारे में पढ़ लिया है। तो अर्जुन लाल सेठी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म दोस्तों 9 सितंबर 1880 में हुआ था, को जयपुर में हुआ था। और 1943 में इसका 1943 तक ये जीवित रहे थे ऐसा माना जाता है। और उन्होंने जयपुर के महाराजा कॉलेज से बीए किया था, यानी स्नातक किया था। और अर्जुन लाल सेठी जी का उपनाम राजस्थान का दधीची भी कहा जाता है। और इनके राजस्थान और अर्जुन लाल सेठी जी के पिताजी का नाम है जौहरी लाल सेठ, जो सेठ का मतलब जैन परिवार से हैं ये। और इनको एक अन्य नाम राजस्थान का लोकमान्य भी कहा जाता है। राजस्थान का लोकमान्य किसने कहा ऐसा प्रश्न आया, तो रामनारायण चौधरी ने कहा है। और जयपुर में इनको जन जागृति के जनक राष्ट्रपिता नाम है, राष्ट्रीयता के जनक भी कहा जाता है। और इनका सिद्धांत था इकला चलो रे, और उनका एक गीत भी है खुनियारो राज। ठीक है, तुम्हारा सिद्धांत क्या हो गया, एक लो चलो रे गीत पूछ लिए तो खुनियारो राज। और उनका कथन, एक कथन भी है एग्जाम में हुआ है कि नौकरी करूँगा तो देश की आजादी कौन दिलाएगा। तो ये कथन दोस्तों अर्जुन लाल सेठी ने कहा था, कब कहा था ऐसा प्रश्न है। सवाई माधव सिंह द्वितीय ने उनको जिलाधीश पद के लिए उन्होंने कहा था कि नौकरी की पेशकश की थी कि अर्जुन लाल सेठी तुम मेरे वहाँ आ जाओ, ये पद की तुमको मैं नौकरी दे देता हूँ। तो अर्जुन लाल सेठी ने कहा कि मैं नौकरी करूँगा तो देश को आज़ादी कौन दिलाएगा। ठीक है, आगे है 1905 में उन्होंने जैन शिक्षा प्रचारक समिति का गठन किया जो जयपुर में है। 1907 में जैन शिक्षा सोसाइटी का निर्माण किया जो अजमेर में है। 1908 में जैन वर्धमान विद्यालय जो कि जयपुर में है। और क्रांति के जयपुर में जो विद्यालय है उनमें क्रांतिकारियों को शिक्षा दी जाती है। और जैन वर्धमान विद्यालय में टीचर जो है विष्णु दत्त जी हैं, और व्यवहारिक ज्ञान उनको अमरचंद से मिलता है दिल्ली से। व्यवहारिक ज्ञान देने वाले मास्टर अमरचंद हैं दिल्ली के। और रास बिहारी जदा विश्वविद्यालय, ये रास बिहारी विश्वविद्यालय जदा विश्वविद्यालय थे जो यूपी के हैं। इनकी पुस्तक है स्त्री मुक्ति और शूद्र मुक्ति। और अर्जुन लाल सेठी जी ने, इन्होंने कांगरोली रेल डकैती हत्याकांड के आरोपी अशफाक उल्लाह खां को शरण प्रदान करी गई थी। इसके बाद क्या होता है, अर्जुन लाल सेठी के शिष्य कौन कौन थे, तो मोतीचंद माणकचंद जोरावर सिंह भारत ये थे। इन्होंने क्या था कि संस्था को चलाने के लिए जैन उपासना के महंत भगवान दास की हत्या कर दी थी। अब अर्जुन लाल सेठी के जब धन लेकर निकल रहे थे तब उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तब वेल्लोर जेल में डाल दिया जाता है। वेल्लोर जेल कहाँ पे है, तमिलनाडु मद्रास। ये 20 मार्च 1913 की घटना है। फिर आगे क्या होता है, 1920 में 6 वर्ष बाद उनको जेल से रिहा करते हैं। तो इंदौर में विद्यार्थियों ने बग्गी से घोड़े हटाकर इनकी सवारी को खींचा था, जिनका बच्चे का इतना प्रेम था। ठीक है, तो अर्जुन लाल सेठी ने अपना अंतिम ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में बिताए थे। यहाँ पर मुस्लिम धर्म के बच्चों को अरबी और फारसी पढ़ाते थे अर्जुन लाल सेठी। और ऐसा माना जाता है कि दरगाह में इनका ध्यान हो जाता है। ख्वाजा साहब की दरगाह में अर्जुन लाल सेठी की दरमर्जार स्थिति जो 1975 में आई बाढ़ में बह गई थी। ठीक है, तो अर्जुन लाल सेठी के बारे में इतना ही है। नेक्स्ट देखेंगे बाल मुकुंद मिश्र के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटे के बटन को प्रेस करना ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।